हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब मस्त होंगे। दोस्तों, दुनिया बहुत खूबसूरत है और आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी भी दिन किसी भी देश को खूबसूरती के मामले में टक्कर दे दे। एक ऐसा देश जहां सब कुछ परफेक्ट तरीके से लिया जाता है, एक ऐसा देश जहां पर एक बार 10 दिनों में 5 प्रेसिडेंट बदले गए थे, एक ऐसी कंट्री जहां पर स्पेनिश भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, इनफैक्ट स्पेन से भी ज्यादा। दोस्तों, दुनिया का सबसे फेमस डांस भी इसी देश की देन है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी भी इसी देश से आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको साउथ अमेरिकी देश अर्जेंटीना के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस देश को अर्जेंटीना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। ये देश अपना बॉर्डर 5 अलग अलग देशों से साझा करता है, वो है यूरोग्वे, चिली, ब्राजील, बोलिविया एंड पराग्वे। इस देश की कुल आबादी है तकरीबन 4,50,00,000 और ये पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 32वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अर्जेंटीना 27,36,690 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 17 लोग पाए जाते हैं। बाय द वे, आपको बता दूं कि ये देश भी टोटली अर्बन कंट्री है और यहाँ पे 93% लोग शहरों में रहते हैं। वैसे अर्जेंटीना भी बहुत ही यंग कंट्री है और इस समय यहाँ औसतन उम्र है मात्र 31 साल। क्या आपको पता है कि अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश है जहाँ से फिंगरप्रिंट्स लेने की शुरुआत हुई थी? एक बार यहाँ किसी कातिल ने एक इंसान पे जानलेवा हमला कर दिया था, उसके बाद वहाँ की पुलिस ने एक निर्दोष को अरेस्ट कर लिया। बाद में जब फिंगरप्रिंट मैच किया गया तो कातिल कोई और ही निकला, जिसके बाद निर्दोष को छोड़ दिया गया। इमेजिन कीजिए, आज अर्जेंटीना फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं करता तो कितने बेगुनाह लोग पकड़े जाते। वेल फ्रेंड्स, अर्जेंटीना ब्राजील के बाद साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो है ही, साथ ही आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में भी 8वें नंबर पे है। इस खूबसूरत से देश का नाम अर्जेंटीना क्यों पड़ा जानते हैं आप? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस देश का नाम लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन वर्ड में अर्जेंटीना का मतलब होता है सिल्वर। वैसे भी 15वीं सदी में जब यूरोपियन यहाँ आए थे तो वो इस देश को सिल्वर लैंड ही कहते थे। आज भी अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्शन में बहुत आगे है। दोस्तों, बेशक अर्जेंटीना सिल्वर प्रोड्यूस करता हो, लेकिन जो लोग फुटबॉल के दीवाने हैं उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कि ना भाई, अर्जेंटीना तो सोना पैदा करता है। दोस्तों, इस देश ने दुनिया को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। डिएगो मैराडोना को कौन भूल सकता है, और इस समय के सबसे महानतम फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के बारे में क्या ही कहना। कई लोगों का तो मानना है कि उनके जैसा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और आपको बता दें कि ये साउथ अमेरिका की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगह है। आप किसी भी महीने में यहाँ चले जाइए, आपको यहाँ पर सैलानियों की भीड़ मिलेगी। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है। दोस्तों, दिसंबर 2001 अर्जेंटीना के लिए बहुत ही खराब रहा था। आज भी यहाँ के लोग 19 और 20 दिसंबर को याद करके रोने लगते हैं, क्योंकि इस दिन यहाँ पे सिविल वॉर की शुरुआत हो गई थी। इसी उथल पुथल में 10 दिनों के अंदर 5 प्रेसिडेंट बदल दिए गए थे। समझिए कि इस तरह की घटना इस देश में क्या आज तक किसी भी देश में नहीं हुई। I mean, 10 दिन में 5 प्रेसिडेंट को बदलना ये बहुत रेयर है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों, एक समय था जब अर्जेंटीना दुनिया के टॉप 10 richest कंट्रीज में आता था। जी हाँ, 1912 के समय अर्जेंटीना लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर इस देश के ऊपर खूब पड़ा और तरक्की रुक गई। तभी कहा जाता है कि लड़ाई से सिर्फ नुकसान ही होता है। दोस्तों, बीबीसी ट्रैवल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी ब्यूनस आयर्स डेटिंग के लिए दुनिया की बेस्ट जगह है। ब्यूनस आयर्स के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता ही नहीं, यहाँ पर क्या दिन क्या रात हमेशा काम चलता ही रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के पार्कों के अलावा रेड वाइन का लुत्फ उठाते हुए रोमांटिक बार्स या नाइट क्लब्स में भी दोस्तियां हो जाती हैं। आपको यहाँ जगह जगह पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स और बार मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस शहर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी हर वीकेंड देखने को मिल जाता है। फ्राइडे नाइट टू संडे यहाँ पार्टी ही पार्टी होती है। म्यूजिक लवर्स की कमी नहीं है यहाँ पे, आपको लोग रोड साइड डांस करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ की नाइट लाइफ सुबह 8 या 10 बजे तक चलती है। दोस्तों, 1816 में अर्जेंटीना ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, फिर 1856 में इसने एक संविधान की स्थापना की जिसका आज भी इस देश में उपयोग किया जाता है। आज सरकार में एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष शामिल हैं। अर्जेंटीना में एक विधायिका भी है जिसमें कांग्रेस, सेनेट और चेंबर ऑफ डेप्यूटी शामिल हैं। अर्जेंटीना का इतिहास यूरोपीय इतिहास से उलझा हुआ है। आपको बता दें कि यूरोपीय लोग पहली बार 1502 में अर्जेंटीना पहुंचे और ब्यूनस आयर्स में अपनी बस्ती स्थापित की। अगले 200 वर्षों में बस्तियों की स्थापना हुई और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी अर्जेंटीना देश में आपको स्पैनिश कल्चर सबसे ज्यादा नजर आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जेंटीना देश में सबसे ज्यादा स्पैनिश भाषा बोली जाती है, जहां इनफैक्ट स्पेन से भी ज्यादा।
आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको बताने कि अर्जेंटीना के आसपास वाले देशों में भी स्पेनिश ही चलती है। ऐसे में जब भी कोई अर्जेंटीना में ट्रैवल करता है तो कॉमन लैंग्वेज स्पेनिश ही होती है। दोस्तों चूंकि अर्जेंटीना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसकी जलवायु उत्तरी गोलार्ध में स्थित जलवायु से पूरी तरह विपरीत है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्मी का समय होता है तब अर्जेंटीना में सर्दी होती है। वैसे आपको बता दूं कि अर्जेंटीना में ही साउथ अमेरिका का सबसे कोल्डेस्ट एंड सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अब तक पहचानी जाने वाली सबसे पुरानी डायनासोर प्रजाति का पता अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों से लगाया गया था। इस कारण से कई एनिमल साइंटिस्ट इस दुर्लभ डायनासोर और अन्य विलुप्त जानवरों के बारे में अधिक सुराग खोजने के लिए अर्जेंटीना की यात्रा करते हैं। आज भी कहा जाता है कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कि डायनासोर की छाप नजर आती है। दोस्तों अर्जेंटीना देश में आपको जापान के बाद सबसे ज्यादा पतले लोग मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अर्जेंटीना तो एक खाता पीता देश है। एक्चुअली यहाँ के लोग जब खाते हैं तो खूब खाते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। यहाँ खाना छोड़कर पतले होने की गलत आदत कई लोगों में है, जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। वैसे एक बात जो बहुत अलग है इस खूबसूरत देश की, वो ये है कि इस देश में बनाए जाने वाले मीट की तारीफ हर दूसरा इंसान करता है। आपको बता दूं कि अर्जेंटीना देश में मिलने वाला मीट दुनिया का सबसे बेहतरीन मीट कहा जाता है। तो जब भी आप इस देश में जाएं, यहाँ का मीट जरूर चख लें। भले दुनिया में सबसे ज्यादा मीट खाने वाला देश अर्जेंटीना ही है। आपको बता दूं कि अर्जेंटीना देश के लोगों को डांस करना बहुत पसंद है। किसी भी बात पे ये आपको नाचते हुए दिख जाते हैं। छोटी छोटी से सेलिब्रेशंस में भी यहाँ लोग खूब मस्ती करते हैं। दुनिया का सबसे पॉपुलर डांस टैंगो भी इसी देश से ओरिजिनेट हुआ है। क्या बात है, क्या आपने कभी टैंगो डांस ट्राई किया है? नहीं तो आज ही अपने पार्टनर के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अर्जेंटीना के लोग अपनी खुद की कारों को चलाने की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है तो उसको यूज करना चाहिए, न कि खुद की गाड़ी का। वैसे अर्जेंटीना की कैपिटल सिटी ब्यूनस आयर्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ट्रैफिक की बहुत ज्यादा परेशानी है। ब्यूनस आयर्स का बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहाँ से लगभग 80% आयात और निर्यात का काम किया जाता है। क्या बात है, इस शहर में ही सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भी रहते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेस भी इस शहर में हैं। दोस्तों अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यात करने वाला देश है। देश में फसलों के लिए 86 मिलियन एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12.8% है। अर्जेंटीना में गेहूं मुख्य फसल है। यहाँ बहुत अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, जो इसे दुनिया का 5वां अग्रणी गेहूं निर्यातक देश बनाता है। वहीं दोस्तों अर्जेंटीना एक ऐसा देश भी है जो शराब बनाने और निर्यात करने के लिए जाना जाता है। 2004 में देश ने 1,59,000 टन से अधिक शराब का निर्यात किया, जो दुनिया के कुल शराब निर्यात का 2% है। वेल फ्रेंड्स, अर्जेंटीना में 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए स्कूल जाना आवश्यक है। देश में स्कूल का वर्ष मार्च में शुरू होता है और नवंबर में समाप्त होता है। इसे काफी पढ़ा लिखा देश है ये। यहाँ लिटरेसी रेट है 99%। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जेंटीना में आज के दिन में भी लोग रेडियो ज्यादा सुनते हैं टीवी देखने के मुकाबले। माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेडियो सुनने वाला देश है अर्जेंटीना। 2010 में अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का सबसे पहला देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। इससे पहले किसी भी साउथ अमेरिकन कंट्री ने ऐसा नहीं किया था। साफ पता चलता है कि इस देश के लोग बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। दोस्तों इस देश में गुड मॉर्निंग या गुड नाइट को बहुत ही मस्त तरीके से कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ यर बोलने के साथ साथ एक दूसरे के गाल पे पप्पी भी ली जाती है। दोस्तों अर्जेंटीना की युवा पॉपुलेशन के बीच एक बहुत ही गंदी आदत डेवलप हो गई है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी के मामले इसी देश से आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि कई बार यहाँ की लड़कियाँ प्लास्टिक नजर आती हैं। वह लड़कियों की बात हुई है तो आपको बता दूं कि अर्जेंटीना देश की लड़कियाँ बहुत तेज मानी जाती हैं। बहुत दिमाग चलता है उनका। यहाँ की लड़कियाँ अप फ्रंट भी मानी जाती हैं। वो मुंह पे ही हाँ और ना बोल देती हैं और आपके साथ गेम्स नहीं खेलती। अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश है जिसने दो पिताओं के साथ बच्चों को मान्यता दी है। 2012 में एक बच्चा पैदा हुआ था और उसके दो पिता जन्म प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध थे, कुछ ऐसा जो दुनिया में कहीं और पहले कभी नहीं हुआ था। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का मेंटल लेवल कितना ऊपर है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है और ब्यूनस आयर्स महाद्वीप का सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला शहर है। तो आपको अब जब भी मौका मिले इस देश की सैर जरूर कर लें। आपको बता दें कि घूमने फिरने के लिए अर्जेंटीना में काफी खूबसूरत जगहें हैं जो आपका मन मोह लेंगी। यहाँ के मार्डेल प्लाटा शहर में यात्रा करने के लिए कई दिलचस्प स्थान हैं और ये देश में पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। साथ ही बहुत सुंदर समुद्र तट भी हैं यहाँ।
अर्जेंटीना की एक घाटी पैटागोनिया भी काफी खूबसूरत और एक मशहूर जगह है। दोस्तों अर्जेंटीना में आपको स्पोर्ट्स को लेकर एक अलग ही जुनून दिख जाएगा। यहाँ के बच्चे स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। यहाँ हर शाम पार्क में आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिख जाते हैं। कई बार तो रोड को ब्लॉक करके भी बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तभी तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस देश से निकलते हैं। क्या बात है दोस्तों। अर्जेंटीना की करेंसी अर्जेंटाइन पेसो है, जिसका सिंबल डॉलर की तरह है। बता दें कि अर्जेंटाइन पेसो हमारे भारतीय रुपए के लगभग बराबर ही है। तो दोस्तों ये था अर्जेंटीना। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कभी आप गए हैं अर्जेंटीना, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।